नमस्कार स्वागत है आप सबका देश देशांतर में मैं हूं कवीन सचान देश में आज बात नाबार्ड संशोधन विधेयक की जिसे राज्यसभा ने पारित कर दिया है इसमें नाबार्ड की अधिकृत पूंजी अब पांच हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर तीस हजार करोड़ रुपए करने का प्रावधान है और इसे और आगे बढ़ा सकती है सरकार आर की सलाह के साथ इसके अलावा इसमें कुछ और अहम बदलाव किए गए हैं जैसे कि नाबार्ड अधिनियम में संशोधन के बाद इसमें अब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को भी शामिल करना है और इससे पहले ये कृषि पर ही आधारित था लोकसभा से ये विधेयक पहले ही पास हो चुका है और समझेंगे कि इस नए विधेयक के बाद यानी कि संशोधन के बाद नाबार्ड का जो दायरा है उससे बढ़ने से फ़ायदा क्या होगा क्या ये माना जाए कि मोदी सरकार किसानों की आय को जो दोगुना करने की बात हो रही है उसी दिशा में ये कदम है और नाबार्ड के सामने फिलहाल क्या बड़ी चुनौतियां थी और व्यावहारिक धरातल पर वहां पर दिक्कतें क्या थी लेकिन उससे पहले सदन में आज चर्चा का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री ने क्या कहा आई सुनते हैं और एक बात स्वाभाविक रूप से कहा गया था आरबीआई ये जो बिल आप लोगों ने लिया जिसका सभी लोगों ने समर्थन किया है मैं समझता हूं कि किसान के हित में है एमएसएमई के हित में है और राज्यों के भी हित में है राज्य भी इसे लाभान्वित होंगे और इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ चार खास मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पर हैं आलोक सिन्हा साहब पूर्व सचिव भारत सरकार हमारे साथ तजामुल हक साहब हैं सलाहकार हैं नीति आयोग से आपका भी स्वागत है सर डॉक्टर विकास महात्मा हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के आपका स्वागत है साथ ही साथ हमारे सहयोगी अरविंद कुमार सिंह जी हैं अरविंद जी आपका भी स्वागत है शुरुआत में हक साहब आपसे करना चाहूंगा नाबार्ड संशोधन के जरिए अब तक जो दायरा था एग्रीकल्चर और उसको बूस्ट करने की कोशिश किसानों को सहूलियत मिले इसलिए ऋण की प्रबंध करने का काम था अब इसमें एक नया सेक्टर एस जोड़ा गया है इसे आप कैसे देखते हैं और ये कितना फ़ायदेमंद होगा उस सेक्टर के लिहाज से देखिए जैसे आपने पहले भी कहा कि ये ए... नबार्ड का जो एक्ट है ये नबार्ड का मतलब ही है राष्ट्रीय लेवल पे किसान तरफ कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक प्रयास था अब उसके लिए एक डेडिकेटेड बैंक हो इस एक डेडिकेटेड बैंक क्रिएट किया गया था उसमें क्या देखा गया कि ठीक है नबार्ड ने बहुत अच्छा आई मीन मेरे हिसाब से तो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की पिछले कई सालों से उन्होंने एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस के लिए भी और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फिर एस एच जी मूवमेंट को देश में खड़ा करने के लिए और आज के दिन में अभी जैसे आप देखेंगे कि फार्म प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है काफ़ी हद तक आज के दिन में नाबार्ड के द्वारा ही आई थिंक प्रमोटेड होती है स्मॉल फार्मर्स बिजनेस कॉन्सोटियम भी है लेकिन नाबार्ड का एक बहुत बहुतपूर्ण भूमिका है अब क्वेश्चन है कि आज के दिन में देखा गया कि खाली एग्रीकल्चर ट्रेडिशनल फार्मिंग के ऊपर अगर डिपेंड होते हैं किसान तो उसमें उनका इनकम एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ नहीं सकता तो इसमें से मतलब ये है कि दूसरे दूसरे एक्टिविटीज़ में जैसे स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज इंटरप्राइजेस में भी उनका हिस्सेदारी हो भागीदारी हो दोनों तरह से एक तो है कि अपना आप इंटरप्रनरशिप डेवलपमेंट हो और दूसरा है कि वो पेड एम्प्लॉयमेंट के रूप में भी वहाँ काम कर सकते हैं तो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए खास करके मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस का डेवलपमेंट रूरल एरियाज में किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है वो जब तक नहीं होगा तो किसानों का इनकम में एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं नहीं इसलिए जो सरकार का प्रयास है या कदम है ये बहुत ही प्रशंसनीय है और इसकी ज़रूरत थी काफ़ी दिनों से महसूस की जा रही थी और ख़ास करके बड़ा स्केल पे इतना बड़ा देश में अगर

तीस हज़ार करोड़ की पूंजी की बात पूंजी। हो रही है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही थी क्या जो अब तक जो पूंजी का दायरा था वो उतना व्यापक उससे काम नहीं चल पा रहा था और दूसरा इसमें हाँ। जो हिस्सेदारी है हाँ। उसको बदला क्या है क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी आपने पहला सवाल पूछा था कि इसका जो पूंजी है वह छः गुना बढ़ा दी गई है इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी क्योंकि हम पिछले सालों का यदि अंदाज़ा लेते हैं तो 2012 में नाबार्ड का टर्न करीबन एक लाख अस्सी हज़ार था वो बढ़कर तीन लाख बीस हज़ार तक के सोलह में आ गया अब इसे हमें यदि बढ़ाना है हमारा यदि ये देखा जाए तो पंत्र प्रधान नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हम जो भी किसान हैं उसकी आय दुगनी करें तो यह दुगनी यदि करना है तो ये ऋण जो दे सकते हैं उसके अपनी नाबार्ड की कैपेसिटी बढ़नी चाहिए और ये यदि हम कैपिटल नहीं बढ़ाते तो जिसे बोलते हैं कि कैपिटल डिफिश एक रेशो रहता है जिसे हम कहते हैं कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशो वो कम हो जाता था तो उसका कैपिटल बढ़ाने से जो लोन हम दे सकेंगे रून जो दे सकेंगे यह भी बहुत ज़्यादा दे पाएंगे और उसकी वजह से रूरल इकोनॉमी बढ़ेगी जो गांव में काम करने वाला युवा वर्ग है उसको आसानी से उनको काम मिलेगा इसके लिए इसकी इस बहुत ज़्यादा जरूरी थी और ये अच्छी बात है कि हम रून और ज़्यादा लोगों को दे सकेंगे सिंचाई के लिए भी इसका उपयोग हो पाएगा जिसकी वजह से सिंचाई बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जरूरत है आज किसान की यदि हम सिंचाई क्षेत्र बढ़ाते हैं माननीय नितिन जी गडकरी आज वाटर रिसोर्स के मंत्री है उनका तो ऐसे है कि जो भी पैसा आता है वो जल्दी उपयोग में लाके वो प्रोजेक्ट जल्दी पूरा करते हैं तो हम जल्दी ही ये सब सिंचाई क्षेत्र उपलब्ध कर देंगे लेकिन दे, हिस्सेदारी दे। बढ़ाने के पीछे का क्या मकसद है आर से जो पॉइंट के आसपास उनकी हिस्सेदारी हाँ, थी दूसरा सवाल ये है पॉइंट इसमें क्या है कि पॉइंट जो आर का था तो इसमें एक ऐसी सोच समझिए कि मैं खुद ही ओनर भी हूँ और मैं ही रेगुलेट भी करने वाला अथॉरिटी भी हूँ तो यह हम तय नहीं करेंगे हम बोलेंगे नहीं ओनर ही रेगुलेट करने वाले अथॉरिटी को यदि बैंकिंग क्षेत्र में है वही बैंक रेगुलेटरी और वही बैंक आ, का शेयर यानी वो खुद उसके ओनर है तो यह ठीक बात नहीं होती है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है तो इसलिए ये जरूरी था कि आर का जो भी शेयर होल्डिंग है जो पॉइंट फाइव फोर परसेंट था वो गवर्नमेंट ने ले लिया है लेकिन ये समझना है काफ़ी लोगों को लगता है कि अभी आर ना होने से इसमें बहुत सारे परेशानियां बढ़ सकती है प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा ये दो बड़ी आशंका, है थी। आशंका. भी आया कि अब रेगुलेट कौन करेगा क्या सरकार करेगी या आरबीआई करेगी या फिर प्राइवेट कुछ आप किसी को लाना चाहते हैं उसके जरिए ये रेगुलेट होगा रेगुलेट आरबीआई ही करेगी इसमें कुछ दुमत नहीं है आर बी आई रेगुलेटरी ऑथोरिटी रहना ही चाहिए है भी और उसका में बदलाव नहीं है चलो तो उसमें कोई चिंता की बात आलोक सिन्हा साहब जिस तरीके से क्योंकि आप उन विभागों के साथ जुड़े रहे हैं केंद्र के नाबार्ड को लेकर जिस तरीके की संकल्प या फिर जिन उद्देश्यों को लेकर उसकी स्थापना हुई एक तेजी के साथ उस दिशा में काम भी हुआ लेकिन दूसरी ओर जमीन पर किसानों की हकीकत भी बताती है कि शायद वो मकसद अधूरा रहा है नए संशोधनों के साथ नए बदलावों के बाद ये कितना ज्यादा इफेक्टिव आपको देखता है जिस तरफ हम बढ़ा रहे आलोक जी आपको आवाज मिल रही है चलिए शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही यही सवाल मेरा अरविंद जी आपसे क्योंकि आप लगातार देखते हैं जमीन पर नाबार्ड में क्या उस पूरे उद्देश्यों को सफल रहा है या फिर कहीं कमी रही है एक बड़ा हिस्सा रहा है जिसके चलते शायद बदलाव की जरूरत महसूस की गई है कवीन जी जैसा कि सर ने कहा मैं ये कहना चाहूँगा नाबार्ड की स्थापना की पृष्ठभूमि यह है कि उसके पीछे बहुत लंबा सोच विचार चला और चौधरी चरण सिंह जी जो कि भारत के बड़े महान किसान नेता माने जाते हैं बेसिकली उनका ब्रेन था ये कि इस तरह का एक संगठन खड़ा होना चाहिए और आज हम जब देखते हैं तो चाहे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो एग्रीकल्चर सेक्टर में कई सेक्टर सेक्टर में सपोर्ट करने की बात हो या इरिगेशन प्रोजेक्ट हो या जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करने की बात हो इसमें नाबार्ड निश्चित तौर पर एक सफलता की कहानी है लेकिन क्या है कि जब तक अब अब प्राइम मिनिस्टर ने जो है कहा कि साहब किसानों की आय दोगुना करना है तो गेहूँ और चावल से तो आप किसानों की आय दोगुना नहीं कर सकते आज आज किसान के सामने दिक्कत क्या है कि जैसे ही उसका फार्म प्रोड्यूस जो है बाजार में आता है तो अगर वो तीस रुपये बाजार का दाम है तो तुरंत गिर के दस रुपये हो जाएगा जो है आलू में जो आप देखते हैं तो ये अब रास्ते क्या हैं कि जो ग्रामीण कुटीर उद्योग हैं जो इस तरह के हमारे जो मध्यम उद्योग हैं इनको विकसित करने के लिए एक हमारे पास एक ठोस तंत्र होना चाहिए और ख़ासतौर पर उनको जो ग्रामीण इलाकों में काम कर काम कर रहे हैं तो अब यह है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर आपका लगभग पहुँच चुका है इलेक्ट्रिसिटी पहुँच चुकी है आपकी सड़कें प्राइम मिनिस्टर कि जो सड़क योजना है उससे पहुंच चुकी है और इरिगेशन वाला भी है पानी चाहिए अगर आप छोटी छोटी उद्योग भी है तो उसको पानी चाहिए पानी पहुँच गया तो सवाल है कि वहाँ संसाधन चाहिए और रनिंग कैपिटल चाहिए उसको रनिंग कैपिटल अरविंद जी शायद तो, तो, आलोक जी इस वक्त जुड़ चुके हैं आलोक जी अगर आप सुन पा रहे हैं जो नाबार्ड में संशोधन किए गए हैं उसके बाद तीन बड़ी चीज़ें कही जा रही हैं और जैसा कि हमारे साथ बीजेपी के सांसद वो कह रहे हैं कि पहली चीज हिस्सेदारी को देने का मतलब ये है जो आर बी की ओर से कि ऐसा नहीं है कि मॉनिटरिंग आर नहीं करेगी इसका फर्क क्या पड़ेगा और जो छह गुना उसकी पूंजी बढ़ाई गई है इससे जो दायरा बढ़ाने की बात हुई है साथ उससे कितना बड़ा इलाका है या कितना बड़ा एरिया मैं कहूं कि ग्रामीण भारत का है जिसको हम कैटर कर पाएंगे या इसके दायरे में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं देखिए ऐसा है जो एग्रीकल्चर सेक्टर को अभी तक तो बहुत ही ज्यादा निगलेक्ट किया गया है So अगर नेबार्ड का कैपिटल बेस को गवर्नमेंट ने तय कर लिया कि इसको एक्सपेंड किया जाए इस इस स्टेप स्टेप को तो बहुत ही स्वागत है लेकिन हमें थोड़ा केयरफुल इसलिए रहना पड़ेगा कि इस देश में रेगुलेशन की कमी के कारण लोग बाग जुगाड़ कर लेते हैं बद से तो इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र के लघु उद्योग को भी जो लोनिंग की व्यवस्था की गई है जिसमें उसको बढ़ाया गया है उसमें देखना ही होगा कि ऐसा ना हो कि शहर के सिटी बेस्डर कहीं गांव में कोई एड्रेस लेके लोनिंग का फायदा उठा के फिर उसका एक्टिविटी शहर में ही हो सो देखो इसमें गवर्नमेंट को रेगुलेटरी अप्रोच करके ये तय करना पड़ेगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्रामीण निवासी है उन्हीं के माध्यम से लघु उद्योगों को ये इंकरेजमेंट दिया जाए और लघु उद्योगों को नाबार्ड के पीछे लाने के पीछे मकसद का रिक्ता क्या इससे पहले उनके पास ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्था उनको कैटर नहीं कर रही थी या वहाँ दिक्कतें आ रही थी देखिए पहले तो दिक्कत जरूर आ रही थी क्योंकि जो कमर्शियल बैंक पे हैं वो अर्बन उनका बायस है अर्बन बायस तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर के तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को तवजू देते हैं वो ग्रामीण उद्योग को देते हैं इसलिए ये बड़ा ही प्रोग्रेसिव स्टेप है कि नैबार्ड का कैपिटल बेस को करके लघु उद्योग को ग्रामीण क्षेत्र के लघु उद्योगों को इनक्रेजमेंट दिया जाए मैं आलोक साहब के पास लौटूंगा हक साहब जो एक बात विकास जी ने कही है मैं उसको थोड़ा सा आपसे और समझना चाहूंगा कि असल में जब हम ये कह रहे हैं कि आय को दोगुना करना है और जाहिर है कि जो पारंपरिक खेती हम कर रहे हैं हमारे किसान कर रहे हैं उसका जरिए आप उसको नहीं बढ़ा सकते हैं यानी कि ये माना जाए कि हम अब प्रोत्साहन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि जो ग्रामीण भारत है वहाँ पर लोग कृषि से जुड़े सूक्ष्म और लघु उद्योगों की तरफ आगे आए कुटीर उद्योग की तरफ आगे बढ़ें और उस दिशा में ये आपके क्वेश्चन का, का काम करेगा लेकिन क्या उसके लिए जो आधारभूत ढांचा है वो रेडी दिखता है तैयार दिख रहा है या वहाँ पर भी काम करने की जरूरत होगी दो बातें एक तो है कि जो एफर्ट है इसको तो आपको वेलकम करना पड़ेगा बहुत ही अच्छा कदम है क्योंकि आज के दिन में सबसे ज़्यादा महसूस एक की जा रही थी कि गांव के एरिया में कोई इंडस्ट्रलाइजेशन या उद्योग नहीं हो रहा जिसके चलते गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है दूसरी बात ये थी कि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है उसका जो इनकम का कैपेसिटी है उसमें करीब करीब स्टेग्नेशन आगे है खास खा खाली रागी ज्वार बाजरा या आपके राइस स्वीट करके भी काम चलेगा नहीं तो डाइवर्सिफिकेशन चाहिए डायवर्सिफिकेशन में खास करके नॉन फार्म डाइवर्सिफ़िकेशन जिसको फूड प्रोसेसिंग हो एग्रो प्रोसेसिंग हो बाकी और भी एक्टिविटीज जो हो उसको बढ़ावा देना जरूरी है और उसमें किसानों का और किसान के युद्ध का भागीदारी बहुत जरूरी है वो अगर जब तक नहीं होगा तो किसानों का हालत में या हाल में बहुत ज़्यादा सुधार या जो उन्नति है वो होगा नहीं तो इसीलिए मेरे ख्याल से इसको हम वेलकम करते हैं और इसका असर पड़ेगा लोकल लेवल पे रूरल एम्प्लॉयमेंट पे पड़ेगा जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत है खास करके किसान के बच्चे जो हैं वो फार्म यूथ में देखा गया कि वो ना खेतीबाड़ी करना चाहते चूंकि उसमें आजकल कुछ फ़ायदा होता नहीं है और उनको दूसरे काम मिलता नहीं है बहुत हाईली स्किल्ड कोई शहर में अगर वो जाएगा वो तो पहले ही कह देगा उसको अंग्रेजी नहीं आती या उसका उस तरह का स्किल नहीं है बोल के हटा देगा तब गवर्नमेंट का एफर्ट ये है कि स्किल डेवलप स्किल इंडिया के अंतर्गत जो प्रोग्राम है तो रूरल एरियाज़ में भी उसको बढ़ाया जाए रूरल यूथ को ट्रेनिंग दिया जाए और ख़ास करके वो उन इंडस्ट्रीज के लिए जो अभी हम सोच रहे हैं एस के लिए तो लेबर इंटेंसिव होगा और उसके लिए जो स्किल चाहिए उस स्किल को लोकल लेवल पे आई मीन दिया जाएगा लोगों को उसको तो इस, किया जाएगा डिमांड सप्लाई का मैच होगा प्रॉपर और उसी हिसाब से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही सराहनीय कदम विक, है विकास विकास जी अमने अमने जी हमारे साथ हम कुछ कहना चाह रहे रहे हैं हैं जो हक साहब कह और जो सिरा साहब ने कहा दो चीजें हैं आशंका है इसके साथ एक बेहतरीन कदम है इससे कोई दो राय नहीं है और सभी दलों ने इसका स्वागत भी किया है लेकिन कुछ चिंताएं भी रही हैं कि जो असल लोग हैं जो असल हकदार हैं जो उनकी जरूरत है उन तक लोन पहुँचे बिना किसी परेशानी के पहुँचे और अगर वो इस एस के जरिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं देश की अर्थव्यवस्था में वहाँ हा। पर उनको एंड प्रोडक्ट तक या दूसरी जो तमाम सुविधाएं हैं वो भी वो साथ में मुहैया हो आपका सही है मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्शन कृषि क्षेत्र में एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरी है जैसे कि कहा गया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रीज वहाँ आना चाहिए लेकिन मैं अभी बताऊँगा आपके उदाहरण तौर पर मुझे यदि एक किलो चावल चाहिए आज फ्लिपकार्ट या मैं अमेजोन पे यदि ऑर्डर दूँ तो वो कितने दिन के बाद कितने बजे मुझे घर में डिलीवरी देगा ये बता सकता है mm -hmm. लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो ये बता सके कि जिसकी किसान की फसल होने के बाद उसको भाव कहाँ मिलेगा और वो वहाँ कितने दिन में पहुँचा पाएगा और कब कैसे मिलेगा ये इसलिए क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्या चाहिए उसके लिए तो उसके लिए एक गोदाम कोल्ड स्टोरेज या गोदाम जो रूटीन भी है वो चाहिए या कौन सा नज़दीक की गोदाम से हम माल पहुंचा पाए उससे उस, उस समान रास्ते लगेंगे या रोड्स लगेंगे व्हीकल्स लगेंगे और उस गोदाम से जो माल जाएगा उसका कहाँ उसको रेट ज़्यादा मिल सकता है इसकी इंफॉर्मेशन यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लगेगी चेन मैनेजमेंट सिस्टम लगेगी तो ये सब अभी नहीं है और मेरे ख्याल से सरकार इसके ऊपर अभी काफ़ी खर्चा कर रही है और ये एक बार तैयार होने से सब किसानों को फायदा होगा जैसे मैं बताता हूँ आपको जैसे दूध का क्षेत्र है या गन्ने की फसल है तो उसमें आप देखेंगे कि वो जो गन्ना किसी गन्ने की फसल ले रहा है वो गन्ने के ऊपर कैसे उसका उत्पादन बढ़े इसी पे ख्याल देता है लेकिन उसको तोड़ना है और या ये शुगर फैक्ट्री तक के लेके जाना है उसके बारे में उसको सोचना नहीं है क्या दूसरे प्रोडक्ट को तैयार कर तैयार सिर्फ उसका ख्याल कौन से इस पर कि मेरा प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए बाकी जो केयर है वो सभी दूसरे लोग ले रहे हैं शुगर फैक्ट्री वाले ले रहे हैं दूध दूध का उसका उत्पादन दूध का कैसे बढ़ाए उसी पे उसको सोचना है तो क्या कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी वहां आके दूध ले जाएगी यानी उसके लिए ये सब तैयार है लेकिन बाकी फसल के लिए तैयार नहीं है मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि वही पूरा हो जाएगा लेकिन इसमें बहुत फायदा हो जाता है तो क्या मैं यही समझना चाह रहा हूँ विकास जी की जो ये दायरा बढ़ा है हाँ और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कैपिंग थी वो दस करोड़ रुपए तक अभी बढ़ा दी गई है क्षेत्र में दस और वो, बाकी क्षेत्र में सब 20. चेन को ही डेवलप करने के लिए कोशिश है एक प्रयास है एक चेन तो है ही साथ में देखिए गोदाम के लिए लगेगा या छोटे जो और भी स्मॉल इंड़ स्केल इंडस्ट्री छानी है या ऐसे जो छोटे छोटे उसके लिए भी लगेगा यानी ये जो है ये एक बार लोन ले लोगों की आइडियाज रहेंगे लोगों की सोच कि क्या करने से मुझे फायदा हो होगा और लोगों को फायदा हो सकता है आलोक जी ये बहुत बेसिक मैं कहूं कि बहुत बड़ी दिक्कत रही है और आपसे बेहतर कोई समझ इसको समझा नहीं सकता कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अगर रूरल इंडिया की बात करें खासकर कृषि का जो इलाका है वहां पर बात करें उसकी बेहद कमी रही है यहां पर जो कैपिंग बढ़ाई गई है दस करोड़ रुपए तक विनिर्माण निर्माण क्षेत्र में या सेवा सेक्टर में करीब पाँच करोड़ रुपये तक का लोन के जरिए ये क्या तस्वीर बदलने का मादा रखता है और जिस सेक्टर में हम कह रहे हैं कि आधारभूत ढांचे की बेहद कमी है वहां पर अब कुछ इसके जरिए विकास या नए मैं कहूं पुनर्माण होगा जो कि सपोर्ट सिस्टम का काम करेगा जिसकी कमी थी आलोक जी आपका आवाज आ, है। आ हाँ, रही है आवाज। अरविंद जी यही सवाल कि आधारभूत ढांचा देखता नहीं हम खेती में उत्पादन बढ़ा रहे हैं लेकिन बाय प्रोडक्ट है उसके दूसरे प्रोडक्ट को कैसे बनाएं उसको मैं प्राइस में कैसे ऐड कर सकते हैं क्वालिटी कैसे ऐड कर सकते हैं उस पर अब काम हो पाएगा देखिए जो अभी विकास जी से जो बात हो रही थी अभी क्या है कि हमारे पास क्या जो हमारे पास मैन पावर है गाँव में खाली बैठी हुई बहुत सारी मैन पावर है अनएम्प्लॉयमेंट की बड़ी समस्या है और कृषि श्रमिक भी एक सीज़न के बाद खाली होते हैं अगर आप देखेंगे आपके पास बहुत सस्ता श्रम है दूसरी चीज ये कि आपके पास रॉ मेटेरियल भी है तो आपको क्या चाहिए आपके पास एक सड़क हो और बिजली हो और संसाधन अगर हो अब नया क्षेत्र डेवलप हो रहा है क्या अब जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग है ऑर्गेनिक फार्मिंग में अगर आप प्रोसेसिंग का अगर यूनिट लगाते हैं कहीं तो पूरी दुनिया भर में मांग है उसकी कोई ऐसा नहीं क्योंकि नए एक सेक्टर आपके डेवलप हो रहे हैं तो अब मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं जो अभी मुझे जानकारी मिली कि जो आज मिली है ना वो बाज़ार में जब ट्राइबल या वैसा फार्मर है वो पंद्रह रुपये से पच्चीस रुपये किलो में बिकती है ये जो कच्ची इमली जो है लेकिन अगर आप उसमें प्रोसेस क्या करते हैं उसका बीज अगर निकाल रहे हैं तो वो सौ रुपये से एक सौ पच्चीस रुपये हो जाती है तो ये ये मैं बता रहा हूँ बहुत छोटी सी यूनिट बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती है नहीं। तो सवाल यह है कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है कम्युनिकेशन हो गया है आपके पास जो है अगर आप एक अच्छा प्रोडक्ट पैदा कर रहे हैं तो आपको बस नियर बाई आप आज जैसे गुजरात की बात करें तो गुजरात में जब जो पूरा गुजरात में किसानों के पास मार्केट की वो ऐसी कमी नहीं है जैसा उत्तर प्रदेश या बिहार के लोगों की है जी वहाँ आज मुंबई से लेकर के और कोस्टल एरिया तक के कि किसानों के पास अपना एक मार्केट उन्होंने डेवलप कर लिया है इस नाते जो कृषि संकट आज विदर्भ में है वो कृषि संकट वहाँ नहीं है खेती एक ही तरह का कर रहे हैं अगर आप देखेंगे कॉटन फार्मर है ज़्यादातर उधर इधर ये हैं वो मैंगो फार्मर जो गुजरात का है वो उतना दुखी नहीं है जो दुखी मलिहाबाद का है यानी कि ये जो उत्पाद हैं जो जिसमें एग्रो फॉरेस्ट्री की जो लकड़ी है किसान के पास उसके पास यूनिट होगी तो उसका दो गुने में बेच सकता है तो मुझे लग रहा है इसके फायदे है लेकिन उसके लिए जो पैसा चाहिए था वो वो नहीं मिल रहा था इसके आने से मुझे लग रहा है कि ग्रामीण भारत में एक क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है आखिरी कमेंट आलोक साहब आपसे चलते चलते क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है वो हम देखते हैं कि रूरल इंडिया में अभी भी कमजोर है और खासतौर पर एग्रीकल्चर यानी कि कृषि को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर जो कैपिंग बढ़ाई गई है सेवा सेक्टर में विनिर्माण सेक्टर में इसके जरिए आपको लगता है कि वो आधारभूत ढांचा हो पाएगा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इसको क्रिएट करने के लिए ना तो आया है और ना ही हम उम्मीद करते हैं देखिए देखिए एग्रीकल्चर का आलोक जी आप सुन पा रहे हैं चलिए शायद तो कुछ तकनीकी दिक्कतों से हम सुन पा रहे जी सर बहुत संक्षेप में इन्होंने जो बताया वो बहुत सही है कि वहाँ संसाधन तैयार हो और प्रोसेसिंग कुछ हो लेकिन मेरा ये कहना है और मुझे ऐसा लगता है कि जो किसान खेती में जो फसल उगा रहा है फसल ले रहा है वह फसल लेने में माहिर रहता है वो बिजनेस में उद्यम उद्योगिकता में नहीं जाता है तो वहाँ का ये युवा वर्ग दूसरा काम करे उसके ऊपर क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि एक ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है श्रमिक है उससे हम ये भी चाहते हैं कि वो वे, वेदर के बारे में जानकारी ले मल्टी टास्किंग मल्टी टास्किंग मेरे लिए मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मैं मल्टी टास्किंग नहीं कर सकता हूँ कि मैं एक आधा बहुत बड़ा हॉस्पिटल को मैं बोलता हूँ मैं मेरा खुद का रहेगा बहुत बड़ा नहीं लोग बोलते हैं वहाँ पैसा ज़्यादा मिलेगा लेकिन मैं बोलता हूँ जमता पॉसिबल नहीं मेरे लिए मेरे पास नहीं है वो स्किल्स तो ये समझना चाहिए कि वहाँ के युवा वर्ग जो दूसरों उनको हम तैयार करें और ये स्किल इंडिया में से तैयार हो सकते हैं और उसके लिए भी ऋण की आवश्यकता हो आवश्यकता होती है ये उस जरूरत को पूरा करेगा और कृषि सेक्टर में बदलाव की बयार का दिशावाहक बन सकता है बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए तो देश देशांतर में आज फिलहाल इतना ही नमस्कार